चलिए हम सेल्फ स्विच को प्रेस करेंगे। तो देखिए सेल्फ स्विच प्रेस करने पर कट से साउंड भी आ रहा है और यह टेस्टी लैंप भी जग रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए देखिए दोस्तों, कंपनी के साइन बाइक में या यूनिकॉर्न बाइक में या दोस्तों हंक बाइक में या सुपर स्प्लेंडर में कहीं सेल्फ की प्रॉब्लम आता है आपके गैरेज में या दोस्तों आपके बाइक में है तो दोस्तों ये वीडियो पूरा वॉच करिएगा, ये वीडियो पूरा देखिएगा, आप अच्छा तरह से सेल्फ प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हम प्रूफ आपको शेयर करते चलेंगे दोस्तों। ये भी मोटा वाला है, ठीक है, और यहाँ भी मोटा वाला है, ठीक है। तो ये जो मोटा वाला वायर है ना दोस्तों, देखिए 4 नंबर एलेंकी से ये टाइट है, ठीक है। तो ये जो मोटा वाला वायर है ना, ये रिले को इनपुट करेंट मिलता है 12 वोल्ट, डायरेक्ट ये बैटरी से ही आया है दोस्तों। हम प्रूफ शेयर करते चलेंगे दोस्तों कि आपको अच्छा तरह से समझ आ जाए और दोस्तों आसानी से आप समझ पाए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से टेस्टी लैंप होना चाहिए दोस्तों, आपके गैरेज में या आपके घर में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए एक टेस्टी लैंप के एक दोस्तों एक वायर यहाँ से हम अटैच कर देंगे और एक दोस्तों यहाँ आप देखिएगा, चलिए हम इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। और एक टेस्टी लैंप के एक ये जो वायर है तो ये देखिए दोस्तों टेस्टी लैंप, तो दोस्तों ये देखिए ये टेस्टी लैंप जग गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप कंफर्म हो जाइए कि ये रिले को 12 वोल्ट करंट मिलता है, डायरेक्ट बैटरी से इनपुट करंट मिलता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो है ना, ये है आउटपुट करंट। जैसे ही दोस्तों हम क्लच लेके या न्यूट्रल करके सेल्फ स्विच को प्रेस करते हैं ना, उसी टाइम ये रिले आउटपुट करंट बाहर निकलता है और डायरेक्ट ये वाला वायर दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ मोटर में आता है 12 वोल्ट करंट, और उसके जरिए से दोस्तों सेल्फ घूमता है और बाइक स्टार्ट में हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ये हम अभी निकाल दिए हैं दोस्तों, नहीं तो ये मोटर घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, ये 4 वायर को समझना पड़ता है दोस्तों अब, ठीक है। दोस्तों देखिए सारा खेल सेल्फ की प्रॉब्लम अगर आता है ना, तो ये 4 वायर को समझना पड़ता है दोस्तों। अगर 4 वायर आप समझ गए ना, वायरिंग के कलर कोड या 4 वायर के जब कलर कोड आप समझ जाएंगे तो दोस्तों हुंडा कंपनी के कोई भी बाइक हो दोस्तों, आप इजीली सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप नए मैकेनिक भाई हैं या दोस्तों अभी अभी काम ज्वाइन किया है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। चलिए हम 4 वायर के बारे में हम अच्छा तरह से फोकस करके हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला आप तो बैटरी चेकअप कर लीजिएगा दोस्तों, बैटरी फुली चार्ज होना चाहिए दोस्तों। अगर फुल्ली बैटरी चार्ज नहीं है तो दोस्तों बैटरी नया डाल के सेल्फ आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो लाल वाला वायर है ना, ये वाला वायर में भी 12 वोल्ट करंट आता है दोस्तों, और ये भी लाल वाला वायर है ये साइड में देखिए, इसमें भी 12 वोल्ट करंट रहता है दोस्तों। पहले ये हम आपको प्रूफ दे देते हैं। तो दोस्तों देखिए ये टेस्टी लैंप के जरिए से हम चेक कर सकते हैं, देखिए लाल वाला ये वायर देखिए। चलिए यहाँ हम एक टेस्टी लैंप का वायर हम जोड़ लेते हैं और इस तरह ले लेते हैं कि आपको अच्छा तरह से दिख पाए। और यहाँ देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों टेस्टी लैंप जग गया, तो आप कंफर्म हो जाइए कि 12 वोल्ट करंट ये लाल वाला वायर में आ रहा है। एक रेक्टिफायर से आता है दोस्तों, और एक दोस्तों ये जो लाल वाला है ना, ये डायरेक्ट दोस्तों हमारे इग्निशन स्विच में जाता है, इसमें भी 12 वोल्ट करंट रहता है दोस्तों। तो देखिए लाल वाला वायर में एक टेस्टी लैंप के एक यहाँ वायर जोड़ दिया है, और चलिए हम बता देते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों टेस्टी लैंप जग गया दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों जो लाल वाला वायर है ना, ये दोनों में 12 वोल्ट करंट दोस्तों रहता है, ठीक है। अगर बाय चांस अगर ये वाला वायर में करंट नहीं है तो आप ये वायर चेकअप करिएगा या दोस्तों बैटरी चेक करिएगा, और दोस्तों यहाँ एक फ्यूज लगा रहता है इसके अंदर, ठीक है, फ्यूज भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक यहाँ देखिए ये पतला वाला वायर है जो दोस्तों हरा पे लाल लाइन बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये वायर को समझना एकदम जरूरी है दोस्तों, अगर आप मैकेनिक भाई है तो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला वायर में ना एक न्यूट्रल के जरिए से बॉडी अर्थिंग ये सेल्फ रिले में इनपुट घुसता है, और एक दोस्तों क्लॉज स्विच से ये वाला वायर में बॉडी अर्थिंग आता है दोस्तों। यानी कि एक ही वायर में दो यानी कि जगह से बॉडी अर्थिंग आता है, एक न्यूट्रल के जरिए से बॉडी अर्थिंग आता है, और जब बाइक न्यूट्रल से जब हम गियर में लगा देते हैं और क्लॉज प्रेस करने पर क्लॉज के जरिए से ये वाला वायर में बॉडी अर्थिंग आता है दोस्तों। हम आपको प्रूफ शेयर करते चलेंगे दोस्तों। ये टेस्टी लैंप के एक ये जो वायर है दोस्तों, हम ये यानी कि हरा पे लाल पट्टी बना हुआ है इसमें दोस्तों हम घुसेड़ देंगे, देखिए यहाँ हम घुसेड़ दिया है, ठीक है। और दोस्तों ये बाइक अभी न्यूट्रल मोड पे है दोस्तों, न्यूट्रल है, ठीक है। हम आपको यहाँ बता देते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए यानी कि न्यूट्रल शो कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये बाइक अभी न्यूट्रल मोड पर है, ठीक है। और चलिए हम इस तरह ले लेते हैं कि आपको अच्छा तरह से दिख पाए, ठीक है। और दोस्तों ये एक टेस्टी लैंप के एक वायर दोस्तों हम 12 वोल्ट करंट देंगे, ठीक है। तो ये टेस्टी लैंप जगेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम 12 वोल्ट करंट ये लाल वाला वायर में आ रहा है तो हम यहाँ कनेक्शन करेंगे, तो ये देखिए ये टेस्टी लैंप जग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि बाइक अभी न्यूट्रल मोड पर है, हरा पे जो लाल पट्टी बना हुआ है यानी कि न्यूट्रल के जरिए से ये वाला वायर में बॉडी अर्थिंग आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए हम बाइक को जैसे ही हम गियर में रखेंगे ना, तो गियर में रखते ये टेस्टी लैंप दोस्तों नहीं बलेगा। देखिए दोस्तों बाइक अभी न्यूट्रल मोड पे है तो ये टेस्टी लैंप जग रहा है दोस्तों, और जैसे ही हम गियर में रखेंगे तो ये टेस्टी लैंप ऑफ हो जाएगा। देखिए दोस्तों
गियर में रखते ही ये टेस्टी लैंप ऑफ हो गया दोस्तों, यानी कि ये रिले को बॉडी अर्थिंग आना बंद हो गया दोस्तों, इनपुट आना बंद हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हम क्लच लेंगे तो क्लच लेते ही दोस्तों ये टेस्टी लैंप जगेगा। देखिए दोस्तों क्लच लेने पर यह टेस्टी लैंप जग गया, और जस्ट ही हम क्लच को छोड़ेंगे तो छोड़ते ही देखिए ये ऑफ हो गया। हम आपको यहाँ फोकस करके बता देंगे दोस्तों, देखिए क्लच हम यानी कि अब लेंगे, देखिए लेते ही ये टेस्टी लैंप जग गया दोस्तों। अब यहाँ क्लच हम छोड़ेंगे, देखिए छोड़ते ही ये टेस्टी लैंप ऑफ हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इतना तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये जो हरा पे जो लाल पट्टी बना हुआ ये वायर जब न्यूट्रल रहता है तो ये सेल्फ रिले को बॉडी अर्थिंग मिलता है, और जब बाइक गियर में रहता है तो क्लच दबाने पर ये सेल्फ रिले को बॉडी अर्थिंग मिलता है, ताकि क्लच लेके सेल्फ स्विच प्रेस करने पर सेल्फ मोटर काम करे। ठीक है, तो ये आप कंफर्म हो जाइए दोस्तों। ठीक है, अगर बाय चांस ये वाला वायर में अगर बॉडी अर्थिंग नहीं आता है न्यूट्रल स्विच के जरिए से, तो दोस्तों आप न्यूट्रल स्विच चेकअप करिएगा, या दोस्तों कहीं से वायर कट हो सकता है। और दोस्तों क्लच लेने पर जब ये वाला वायर में बॉडी अर्थिंग शो नहीं करता है तो उस केस में क्लच स्विच चेक करिएगा, या क्लच स्विच से लेके दोस्तों यहाँ तक के बीच में जो अंदर के वायर होता है वो कट हो सकता है दोस्तों, तो ये भी चेक आप करिएगा अगर सेल्फ की प्रॉब्लम आता है तो दोस्तों। ठीक है, अब सवाल रहा दोस्तों, देखिए पीला पे लाल लाइन बना हुआ है ये वाला वायर, तो ये वाला वायर दोस्तों 12 वोल्ट करंट आता है सेल्फ स्विच के जरिए से। जैसे ही हम सेल्फ स्विच को प्रेस करेंगे तो प्रेस करते ही ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट ये सेल्फ रिले में इनपुट आ जाता है, और जब बाइक न्यूट्रल में है तो न्यूट्रल के जरिए से ये वाला में अर्थिंग आ जाता है, और उसके जरिए से ये रिले आउटपुट करंट बाहर निकालता है ये मोटा वाला वायर में, और मोटर घूम जाता है और बाइक स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों चलिए ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट आता है सेल्फ स्विच के जरिए से, तो हम आपको प्रूफ देते चलेंगे। तो देखिए दोस्तों एक टेस्टी लैंप के एक वायर यहाँ हम लगा दिए हैं। ठीक है, अब दोस्तों चलिए हम यहाँ टेस्टी लैंप को ले लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ बॉडी अर्थिंग देंगे, तो देखिए दोस्तों ये टेस्टी लैंप नहीं जग रहा है दोस्तों, तो ये कब जगेगा, जब हम सेल्फ स्विच को प्रेस करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम सेल्फ स्विच को प्रेस करेंगे, तो देखिए सेल्फ स्विच प्रेस करने पर कट से साउंड भी आ रहा है और ये टेस्टी लैंप भी जग रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए, देखिए दोस्तों, अब यहाँ देखिए दोस्तों हम प्रेस कर रहे हैं, देखिए यहाँ सेल्फ स्विच प्रेस करने पर, देखिए दोस्तों सेल्फ स्विच प्रेस करने पर यह टेस्टी लैंप जग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसे हमको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट आ रहा है सेल्फ स्विच प्रेस करने पर। अगर बाय चांस ये वाला वायर में अगर करंट नहीं आ रहा है सेल्फ स्विच प्रेस करने पर, ये नहीं जग रहा है, तो उस केस में दोस्तों आप कंफर्म हो जाइए कि आपके सेल्फ स्विच में प्रॉब्लम हो सकता है, या सेल्फ स्विच से ले के दोस्तों यहाँ तक के ये बीच में वायर कट हो सकता है दोस्तों, तो ये भी आप चेकअप करिएगा। और मान लीजिएगा दोस्तों ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट भी आ रहा है, ये वाला वायर में न्यूट्रल के जरिए से और क्लच स्विच के जरिए से बॉडी अर्थिंग भी आ रहा है, ये वाला वायर में बैटरी से 12 वोल्ट करंट भी इनपुट मिल रहा है, तभी सेल्फ काम नहीं कर रहा है दोस्तों, तो उस केस में ये जो सेल्फ रिले है ना, ये सेल्फ कटआउट भी हम बोल सकते हैं, तो चेंज कर दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने लायक आपको मिला होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसा ही किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।